हेलो क्लास सेकेंड, टुडे वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ एडिंग एडिशन, पेज नंबर 61. सो द क्वेश्चन इज मैच द क्वेश्चंस टू इट्स आंसर्स. क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है बच्चे. फर्स्ट है, अ पेंसिल बॉक्स कंटेन्स 24 पेंसिल्स. किसी बॉक्स में 24 पेंसिल्स हैं. अनदर बॉक्स कंटेन्स 34 पेंसिल. किसी दूसरे बॉक्स में 34 पेंसिल्स हैं. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स इन द टू बॉक्सेस. हमने फाइंड आउट करना कि दोनों बॉक्सेस में टोटल कितनी पेंसिल्स हैं. ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल तो हमें तभी पता चलता है ना जब इनको प्लस करेंगे. तो इसको प्लस करके देखो, 24 एंड 34 को 4, 4, 8, 3 and 2, 5 मीन्स 58. सो 58 का ऑप्शन है यहाँ पे बी, तो इसके साथ मैच हो गया. नेक्स्ट है, पूजा हैज 63 स्टैम्प्स. पूजा के पास 63 स्टैम्प्स हैं. शी कलेक्ट्स 16 स्टैम्प्स मोर. उसने 16 स्टैम्प्स और इकट्ठी कर ली. हाउ मेनी स्टैम्प्स डज शी हैव नाउ. अब उसके पास टोटल कितनी स्टैम्प्स हैं? अब अगर टोटल देखना है तो हमने क्या बताया था कि इसको प्लस करना पड़ेगा. पहले 63 थी और उसने 16 और कलेक्ट कर ली, तो टोटल कितनी हुई? 6 and 3 क्या होता है? 9. 6 and 1, 7. तो ये किसके साथ? 79 के साथ मैच हो रहा है, तो इसके साथ मैच कर देंगे. रामू हैड 98 मार्बल्स. रामू के पास कितने मार्बल्स हैं? 98. सुमित गेव हिम 84 मार्बल्स मोर. सुमित ने उसको 84 और मार्बल्स दे दिए. हाउ मेनी मार्बल्स डस ही हैव नाउ. अब उसके पास टोटल कितने मार्बल्स हुए? 8 and 4, 12 मीन्स 2 and 1 carry. 8, 8, 16, 17, 8 and 9, 17 and 1, 18 जो कैरी आया था वो हमने ऐड किया, तो ये किसके साथ मैच हो गया? 182. ओके, इसको हम प्लस करके देखेंगे. 98 प्लस 84 को 8 एंड 4 क्या होता है? ये देखो, हम इसको लिखते कैसे हैं, जो आगे वाला डिजिट है उसके नीचे आगे वाला डिजिट आएगा, पीछे वाले डिजिट के नीचे पीछे वाला डिजिट आता है. तो 8 एंड 4 12, 1 कैरी, 9 एंड 1 10 एंड 8 18. ओके, 182. अब देखो जो क्वेश्चन है आपका, ये तो सॉल्व है. नेक्स्ट वन देखते हैं. टू बास्केट्स कंटेन 68 and 95 फ्रूट्स रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली मीन्स दो बास्केट हैं, पहली में जो फर्स्ट है उसमें कितने हैं? 68 फ्रूट्स और दूसरी में है 95 फ्रूट्स. ओके, हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर इन दीज बास्केट्स. तो इन बास्केट्स में टोटल कितने फ्रूट्स हुए? तो 8 एंड 5 को प्लस करोगे क्या आएगा? 8 में 5 ऐड किया तो 13. 8 and 5, 13, 1 carry, 6 and 1, 7, 7 and 9 क्या हुआ? 16. ओके, आंसर इज 163. नेक्स्ट वन इज अ पैकेट कंटेन्स 96 बुक्स. किसी पैकेट में 96 बुक्स हैं एंड अनदर पैकेट कंटेन 56 बुक्स. तो दूसरे में है 56 बुक्स. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन दीज पैकेट्स. और इन पैकेट्स में टोटल कितनी बुक्स हुई? इनको प्लस कर दो. 6 and 6 क्या होता है? 12. 1 carry. 9 and 1, 10. 10 में 5 ऐड करोगे, 15. 152 पैकेट बुक्स. ओके, नेक्स्ट है, थ्री डिजिट वाले हैं जो कि विद कैरी हैं. एडिंग थ्री डिजिट नंबर्स विद कैरी. ओके, एग्जाम्पल हमने 2 carry वाला किया था, 2 numbers का किया था विद कैरी. अब हम करेंगे 3 numbers वाला, जो 3 digits है उनका. ये 1s है, ये 10s है, ये 100, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको. तो 6 and 5 को प्लस करोगे क्या आएगा? 11. 11 का 1 carry यहाँ लिखोगे, यहाँ ये 11 आया ना, 6 and 5, 11 होता है. 1 carry हमने यहाँ पे लिख दिया. 8 and 4 क्या होता है? 12 यहाँ लिखा. 12 and 1, 1 जो ऊपर हमारा कैरी आया था वो इसमें ऐड कर दो, तो ये क्या बन गया? 13. फाइन, 13 का 1 carry आया. 4 and 1, 5, 5 and 3, 8. तो ये आंसर क्या आया आपका? 8, 3, 1.
ओके. नेक्स्ट है 6 6 12, 1 कैरी, यहाँ पे 7 and 1 8, 8 and 4 12, 1 कैरी, यहाँ पे लिखोगे 3 and 1 4 and 2 6, ओके. सो आंसर इज 622. नेक्स्ट सम है कैरी वाले, सेम कैसे करने हैं, सेम जैसे हमने अभी किया. 545 प्लस 478, 8 में 5 ऐड करोगे या 5 में 8 ऐड करोगे, सेम ही बात है. तो क्या आएगा, ये प्लस करोगे आप, तो 5 में 8 ऐड करोगे, क्या आएगा 13. ओके 13, 1 कैरी, ठीक है. 4 and 1 5, 5 and 7 12, 1 कैरी, 5 and 1 6, 6 and 4 10, 1023, ओके 1023. नेक्स्ट है 6 6 12, 1 कैरी, 7 7 14 and 1 15, 1 कैरी, 15 आया ना, तो 1 कैरी आ गया. 4 and 1 5, 5 and 2 7, आंसर इज 752. तो ये जो सम है ये आपने करने हैं. नेक्स्ट है द आंसर गिवन हेयर आर इनकरेक्ट, राइट द करेक्ट आंसर. ये कह रहे हैं कि जो आंसर्स गिवन है यहाँ पे वो रॉन्ग है, आपने करेक्ट करके लिखना है. करेक्ट तो भी करोगे ना या प्लस करोगे, तो प्लस करो इन दोनों को, इसको प्लस करो. 7 and 3 10, 1 कैरी. 8 and 2, 1 1 2 हो गया ना, 8 and 2 10 होता है, 1 कैरी आ गया. 6 and 1 7, 7 and 2 9, सो आंसर आ गया 900. ओके तो ये भी आपने करने हैं बच्चे. नेक्स्ट है अ स्कूल लाइब्रेरी हैज, अब ये क्वेश्चंस हैं आपके जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, इनको कैसे करते हैं देखो. अ स्कूल लाइब्रेरी हैज 521 बुक्स इन इंग्लिश, तो इंग्लिश के सामने लिखो इंग्लिश की बुक्स कितनी है, 521 बुक्स. एंड 345 बुक्स इन हिंदी, तो हिंदी की बुक्स हैं 345. ओके हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी, अब हमने फाइंड आउट करना है कि टोटल बुक्स लाइब्रेरी में कितनी हैं. तो यहां लिखेंगे 521 एंड यहां पे 345. ओके इसको प्लस करो, 5 and 1 6, 4 and 2 6, 5 and 3 8. ओके नेक्स्ट है इन अ क्रिकेट मैच योगेश स्कोर्ड 113 रन्स, योगेश ने कितने रन स्कोर किए, 113 इन द फर्स्ट इनिंग. फर्स्ट इनिंग ये भी फर्स्ट इनिंग, तो फर्स्ट इनिंग में कितने हुए 113. 125 रन्स इन द सेकेंड इनिंग, सेकेंड में 125. हाउ मेनी रन्स डिड ही स्कोर, तो उसने टोटल कितने स्कोर, उसको कितने स्कोर रन किए, तो 113 एंड 125, इसको प्लस कर दो. 5 and 3 8, 2 and 1 3, 1 1 and 2. ओके लास्ट वन इज राम बॉट 3 पैकेट्स ऑफ टॉफीज, राम ने 3 पैकेट्स टॉफीज के परचेज किए, उसने खरीदे. 2 पैकेट्स हैड 48 टॉफीज ईच, 2 पैकेट्स में उसने 3 पैकेट्स खरीदे थे ना, 2 में तो है 48 एंड 48 ईच, मीन्स हर एक में, मतलब फर्स्ट में भी 48 है एंड सेकंड में भी 48 है. तो यहां पे लिख दो फर्स्ट पैकेट 48, सेकंड पैकेट 48. थर्ड पैकेट कंटेन 56 टॉफीज, जो थर्ड पैकेट था उसमें कितनी टॉफीज थी, 56. ओके हाउ मेनी टॉफीज इन ऑल डिड राम बाय, टोटल राम ने कितनी टॉफीज बाय की, तो हम इनको अगर प्लस करके देखेंगे फिर ही पता चलेगा ना टोटल कितनी बाय की, तो इनको प्लस करो. पहले यहां पे लिखो 48
दूसरे में भी 48 और तीसरे में भी 56 जो आपको गिवन है। अब इसको प्लस कर दो, 88 क्या होता है, 88 16 में 6 ऐड कर दो, अब 16 में 6 12 एंड 11 2, तो 2 कैरी आ गया, एक तो ये वाला कैरी आ गया, एक जो 16 और 6 को प्लस करने पे 22 आया। अब ये वाला 2 यहां पे लिख दो, फाइन। 4 एंड 2 क्या होता है, 6, 6 में 4 इन दोनों को ऐड करने पे आया 6, और 6 एंड 4 को प्लस करने पे आया 10, 10 में 5 को प्लस करोगे तो 15, 152 टॉफीज। ओके,